तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुड़ी हरियाणवी वर्दी के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे अपकमिंग मूवी दिलजीत दोसांझ की जाट एंड जूलियट 3 के बारे में, और साथ साथ हम लोग जानेंगे फिल्म रोज रोजी ते गुलाब सिनेमाघरों में कब रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें फिल्म कुड़ी हरियाणवी वर्दी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें इस मूवी के अंदर एमी विर्क के साथ सोनम बाजवा अहम किरदारों में नजर आई हैं, और दोस्तों यकीन मानिए कि इस मूवी के अंदर हमें इनकी एक्टिंग काफी जबरदस्त और लाजवाब देखने को मिली है। अगर बात की जाए इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यह फिल्म आज अपने पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 70-80 लाख रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यकीन मानिए कि अगर इस मूवी के रिव्यूज अच्छे खासे रहे तो ये मूवी आज अपने पहले ही दिन लगभग वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अराउंड भी कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए फिल्म जाट एंड जूलियट के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी अपने पहले दो पार्ट के अंदर बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही मचा चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए इस फिल्म के पार्ट 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का पार्ट 3 बंपर ओपनिंग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और यह मूवी 28 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मूवी के अंदर हमें दिलजीत दोसांझ के साथ नीरू बाजवा अहम किरदारों में नजर आई हैं, और दोस्तों इस मूवी का ट्रेलर काफी लाजवाब देखने को मिला है, और दोस्तों लग रहा है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लंबी रेस का घोड़ा बनेगी और अपने पिछले रिकॉर्ड्स को भी तोड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए फिल्म रोज रोजी ते गुलाब के बारे में, मैं आप लोगों को बता चलूं कि इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों अब यह फिल्म नेक्स्ट मंथ 9 अगस्त को यानी कि 9 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें गुरनाम पुलर के साथ माही शर्मा और प्रंजल दिया अहम किरदारों में नजर आई हैं, और दोस्तों इस मूवी को रिलीज किया गया था ओवरसीज के अंदर, और इस मूवी की ऑफिशियल रिपोर्ट्स तो मेरे पास नहीं है कि इस मूवी ने ओवरसीज से कितनी कमाई की, लेकिन भाई साहब मैं एक्साइटेड हूं कि ये फिल्म नेक्स्ट मंथ 9 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या आप लोग भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड है, और साथ साथ जाट एंड जूलियट का आप लोग भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।